हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर बटन को, जैसे कि ऐड टू कार्ट, उसके क्लिक्स कितने आ रहे हैं, उसकी ट्रैकिंग आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। और इस वीडियो में बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल टैग मैनेजर का यूज हम बटन ट्रैकिंग में कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें आपने प्रोडक्ट अपने मेंशन कर रखे हैं, पब्लिश कर रखे हैं, और उसमें ऐड टू कार्ट भी आपका एक बटन है जिसे आप ट्रैक करने वाले हैं। जैसे कि ये वेबसाइट है, इसको मैं इस बटन की ट्रैकिंग को चेक करने वाला हूँ कि इस बटन पर कितने क्लिक आ रहे हैं, कितने यूजर्स इस पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल टैग मैनेजर में जाना पड़ेगा। तो गूगल टैग मैनेजर में जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी के अंदर ही आपको टैग्स फायर करने पड़ेंगे, टैग्स बनाने पड़ेंगे। तो चलिए बनाते हैं, न्यू करते हैं इसको टैग्स को। और तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट इसका नाम दे देते हैं, ऐड टू कार्ट टैग्स यहाँ पे हम 3 देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि आप इस टैग की रिपोर्ट कहाँ पे लाना चाह रहे थे। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे गूगल एनालिटिक्स, क्योंकि हम इसकी रिपोर्ट हम गूगल एनालिटिक्स में देखना चाहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है, ट्रैक टाइप। ट्रैक टाइप यहाँ पे क्या करेंगे हम, पेज व्यूज। यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस हैं ट्रैक टाइप के, तो हमारा ये पर्टिकुलर हमें इवेंट है ये हमारा, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इवेंट को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ये कैटेगरी यहाँ पे हम सेम रख देते हैं, ऐड टू कार्ट, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने रिमाइंडर के लिए। ऐड टू कार्ट 3 अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक्शन में यहाँ पे दे देता हूँ ऐड टू कार्ट, यहाँ पे एक्शन है मेरा, ऐड टू कार्ट क्लिक है यहाँ पे। ठीक है, 3 दे देता हूँ इसको, समझाने के लिए मैं 3 इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बनाया हुआ टैग है, आपको जस्ट आपको लाइव समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये 3 दे दिया है। ठीक है, और लेबल पे हम सेम रख देते हैं इसको। ठीक है, और अगर आप इसकी वैल्यू देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू अगर नहीं भी दे रहे हैं तो आप छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल एनालिटिक्स सेटिंग में जाकर के आपको करना पड़ेगा। ठीक है, न्यू वेरिएबल्स, ये मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स ट्रिगर, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल्स ट्रिगर्स टैग्स ये आपको कम्प्लीटली मैंने एक सेपरेट वीडियो में समझाया है, गूगल टैग मैनेजर क्या है पूरा फुल ट्यूटोरियल मैंने आपको समझाया है। अगर आपको यहाँ पे ये समझ में नहीं आएगा पूरे डिटेल में, इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को पहले देखिए, तभी आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आने वाली है ये वाली वीडियो। तो इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा करके चेक कर सकते हैं या मेरे चैनल पर डायरेक्ट जा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल एनालिटिक्स सेटिंग में यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आपके पास ये नहीं बने हुए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू वेरिएबल बनाने पड़ेगा। न्यू वेरिएबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी डालनी पड़ेगी अपने गूगल एनालिटिक्स की। ठीक है, तो वेरिएबल्स का नाम दे देते हैं यहाँ पे, वेरिएबल्स का आप नाम ना भी दो तो बाद में ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी क्या करेंगे हम, गूगल एनालिटिक्स की ट्रैकिंग आईडी डालेंगे। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स की ट्रैकिंग आईडी डालने के लिए आपको सीधा जाना पड़ेगा प्रॉपर्टी में, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद में आपको यहाँ पे ट्रैकिंग इन्फो है, ट्रैकिंग कोड है, यहाँ पे ये ट्रैकिंग कोड है, इसको आप यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो आपने यहाँ पे ये वेरिएबल बना लिया है, टू नाम से है ये। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से आपका वेरिएबल्स बन गया है। ठीक है, अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, ट्रिगर फायर करेंगे, यानी कि आप किस बटन पे, किस पर्टिकुलर बटन पे ये ट्रिगर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ट्रिगर बनाए हुए हैं आपके, जब आप शुरू कर रहे हैं तो आपको ये कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ क्या करना है, प्लस आइकन पे बटन पे क्लिक करना है न्यू ट्रिगर बनाने के लिए, यानी कि आपको कहाँ पे ये फायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ट्रिगर का नाम दे देंगे, ऐड टू कार्ट ट्रिगर। ठीक है, ऐड टू कार्ट ट्रिगर यहाँ पे इसका नाम दे देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 दे रहा हूँ इसका, और यहाँ पे ये, ठीक है, हमारा क्या है, ये पेज व्यूज तो है नहीं, हमें क्लिक है, क्लिकिंग हम ट्रैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, तो सारे क्लिक तो हमें कर नहीं रहे हैं, पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सम क्लिक्स यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक क्लास है, यहाँ पे वेरिएशन है, ये क्लिक क्लास, ये मैं आपको बड़े
थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक क्लास यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, कंटेंट्स यहाँ पे इक्वल है, कंटेंट्स है, स्टार्ट विद ये सब है, तो कंटेंट्स आपको कर लेना है। और यहाँ पे आप क्या डालेंगे, क्लिक क्लास ये आपको कहाँ से फाइंड करेंगे, तो आपको क्या जाना पड़ेगा, यहाँ पे सीधे वेबसाइट में जाना पड़ेगा। ठीक है, वेबसाइट में जा करके आपको यहाँ पे इसके प्रीव्यू मोड पे जाना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर बटन की क्लास फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल टैग मैनेजर को डिबग मोड पे डालना पड़ेगा, यानी कि प्रीव्यू मोड पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीव्यू मोड मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से प्रीव्यू मोड होगा। ठीक है, तो जब आप प्रीव्यू मोड करेंगे तो आप जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से खुला हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट यानी कि कंट्रोल करके कंट्रोल प्रेस करनी है आपको और ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लिक फायर हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लिक फायर हुआ है और यहाँ पे मेरा ऐड टू कार्ट है ये ऑलरेडी बना हुआ है, 3 वाला नहीं फायर हुआ है। ठीक है, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वेरिएबल्स में जाना पड़ेगा क्लास फाइंड करने के लिए। ये रही देखिए क्लिक क्लासेस। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी कर लेना है इसको, और इसको कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक क्लास में यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, सेम एज इट इज। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने सेव कर लिया है, आपने ट्रिगर बना लिया है, इसको हम कैंसिल करेंगे और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आपने टैग सक्सेसफुली इसमें इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको सक्सेसफुली करने के लिए क्या करेंगे, हम रिफ्रेश करेंगे। तो प्रीव्यू मोड आपको यहां से सिर्फ करना है, सबसे पहले आप प्रीव्यू मोड जैसे ही आप करेंगे तो प्रीव्यू मोड यहां से आप कर देंगे तो वो सेम इस तरीके की विंडो तभी खुल करके आएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, हम रिफ्रेश करेंगे, हमने टैग्स ट्रिगर्स ये सब बना दिए हैं, अब इसमें क्या करना है, हमें रिफ्रेश करना है। ठीक है, अब रिफ्रेश जब हम कर देंगे इसको और यहां पे दोबारा से हम रिफ्रेश करेंगे इसे, तो अब इसको चेक करते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हुए ऐड टू कार्ट पर इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने दोस्तों यहाँ पे क्लिक जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे ये फायर हो गया ऐड टू कार्ट टैग 3, क्योंकि मैंने ये अभी बनाया हुआ है, टैग 3 वाला ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सक्सेसफुली हमारा इसमें इम्प्लीमेंट हो गया है। तो अब जब यहाँ पे चेक कर लिया हमने प्रीव्यू मोड पे करके, इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया है, तो आपको क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, यानी कि इस वर्जन को लाइव कर देना है, पब्लिश कर देना है। ठीक है, विद अगर आप यहाँ पे नेम देना चाह रहे हैं तो नेम दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐड टू कार्ट यहाँ पे 3 है, ये वर्जन है हमारा, और इसको हम सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये सक्सेसफुली यहाँ पे पब्लिश हो गया है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है अपने एनालिटिक्स रिपोर्ट में। ठीक है, क्योंकि हमें डेटा चाहिए इसका एनालिटिक्स में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीधा जाएंगे, रियल टाइम में जाएंगे और इवेंट के अंदर जाएंगे। इवेंट्स के अंदर जाने के बाद में हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐड टू कार्ट 3 फायर हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फायर किया हुआ है, बटन क्लिक किया हुआ है। ठीक है, तो दोबारा से यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे ये ऐड टू कार्ट 3 आ चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इवेंट कैटेगरी, इस कैटेगरी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी थी, ऐड टू कार्ट 3 दे रखी थी तब, और इवेंट एक्शन में भी मैंने ये दोनों सेम नाम दिए हैं। ठीक है, इवेंट एक्शन और इवेंट कैटेगरी दोनों मैंने सेम नाम दिए हैं। ठीक है, तो ये रियल टाइम है। अगर आप इसको डिटेल में चेक करना चाह रहे हैं, पूरा फुल टाइम रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं, तो आपको बिहेवियर के अंदर जाने के बाद में इवेंट्स के अंदर जाना होगा और इवेंट्स के अंदर जाकर के आप ओवरव्यू करेंगे। तो यहाँ पे आप फुल टाइम एक्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट वाइज यहाँ पे सिलेक्शन करके आप पूरा फुल रिकॉर्ड यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, सारे इवेंट्स की रिपोर्ट, जितने भी आपने इवेंट बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे बिहेवियर के सेक्शन के अंदर जाकर के आप यहाँ से फुल टाइम एक्सेस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। टोटल इवेंट्स कितने हुए हैं, परसेंटेज कितनी हुई है, पूरी डिटेल में आप यहां से आप अपने इवेंट की जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप सीख गए होंगे कि आप पर्टिकुलर बटन पर कैसे ट्रैकिंग क्लिकिंग को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की एक वीडियो के साथ।